स्टूडेंट्स, कल हमने आपको पढ़ा था फर्स्ट पोयम, इसका नाम था द माउंटेन द स्क्वायरल, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप उसको याद कर लीजिएगा, और क्योंकि लर्न करना बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एट लाइन पोयम आपके एग्जाम में आएगी, तो आप उसको एट लाइन पोयम लर्न कर लीजिए। जिन लोगों ने याद कर लिया है वो अच्छी बात है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो एज सून एज पॉसिबल वो लर्न कर लें। और उसी पोएट्री में सेकेंड चैप्टर जो दिया गया है सिंपथी, तो आज हम आपको सिंपथी पढ़ाएंगे। सिंपथी मतलब होता है सहानुभूति, विच इज कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके ने ये वाली पोयम लिखी हुई है, ठीक है। तो ये पोयम जो दी गई है इसमें टोटल 16 लाइंस है, 16 लाइंस, और इनमें आपको मैं बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। जब आपकी ये पूरा चैप्टर हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप फिर वापस हिंदी में इसको एक्सप्लेन करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसको वीडियो को देखें, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस समय आप, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक अपने बगल में रखिए, उसके बाद आप देखें तो आपको इजीली आप इसको समझ पाओगे। तो देखिए पहले जो लाइन है उसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है। पोएट कहता है, पोएट जो चार्ल्स मैके वो कहते हैं, आई ले इन सोरो, मैं दुख में लेटा था, मैं दुख में लेटा हुआ था, डीप डिस्ट्रेस्ड, गहरी निराशा में, यानी कि मैं दुख में और गहरी निराशा में लेटा हुआ था। फिर अपोइट कहता है कि माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरा दुख एक प्राउड मैन ने सुना, एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें मीनिंग मिली, एक ग्रीफ और दूसरा सौरव, इन दोनों का ही मतलब होता है दुख। ग्रीफ मतलब भी दुख होता है, सौरव मतलब भी, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से पर्यायवाची हैं। अगर कभी लिखने के लिए इंग्लिश में आए तो आप इसको लिख सकते हो। तो पोएट कहता है कि माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरा दुख एक प्राउड मैन यानी घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी लुक्स जो थी, उसकी नजरें जो थी वो ठंडी थी। अब नजरें ठंडी होने का क्या मतलब, नजर मतलब नहीं वो नजरें ठंडी, नहीं, नजरें ठंडी होने का मतलब हुआ कि उसकी आंखों में दया नहीं थी। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी नजरें ठंडी थी, उसकी आंखों में दया नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे पैसा दिया, उसने मुझे धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दया का शब्द नहीं कहा। पोएट कहता है कि मैं दुख और दर्द में लेटा हुआ था, मेरा दुख एक घमंडी व्यक्ति ने सुना, हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी जो नजरें थी उसमें दया नहीं थी, लेकिन ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दया का शब्द नहीं कहा। इसके बाद यह कहता है पोएट, माई सोरो पास्ट, मेरा जो सोरो था, मेरा जो दुख था वो पास्ट, बीत गया, जब बीत गया तो मैंने क्या किया, आई पेड हिम बैक, मैंने उसको वापस कर दिया, पे कर दिया, क्या वापस किया, द गोल्ड ही गेव टू मी, जो धन ही गेव टू मी उसने मुझे दिया था, तो धन तो मैंने वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट, तब मैं सीधा खड़ा हुआ, तन के सीधा, इरेक्ट मतलब तन के खड़ा होना, तब मैं सीधा खड़ा हुआ, एंड स्पोक माई थैंक्स, और अपना धन्यवाद दिया, एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी चैरिटी के लिए, उसके दान के लिए मैंने क्या किया, उसको ब्लेस किया, उसकी सराहना की, उसकी प्रशंसा करी, उस घमंडी व्यक्ति की। जब मैं खड़ा हुआ सीधे, जब मैं सही हो गया, जब मैं ठीक हो गया, मेरा दुख बीत गया, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको उसका पैसा, उसका धन वापस कर दिया, मैं सीधे खड़ा हुआ, एंड स्पोक माई थैंक्स, और अपना धन्यवाद दिया, एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी चैरिटी की, उसके दान की मैंने सराहना की, प्रशंसा की, ठीक है। ये 8 लाइन्स। इसके बाद क्या हुआ, आप दूसरा यहीं से स्टार्ट होता है, उसमें पोएट कहता है, आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं फिर देखिए पोएट यहाँ से फिर से लेटा हुआ है, पोएट कहता है कि आई ले इन वॉन्ट, मैं लेटा हुआ था, मैं पड़ा हुआ था, वॉन्ट मतलब चाहत में, किसी चीज की चाह रही होगी, तो चाह में, एंड ग्रीफ दुख में, एंड दर्द और पेन यानी कि दर्द में, मैं दुख दर्द और चाहत में लेटा हुआ था। उस समय क्या हुआ, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब व्यक्ति पास्ड माई वे, मेरे रास्ते से पास हुआ, मेरे रास्ते से गुजरा, उस गरीब व्यक्ति ने क्या किया, पोएट कहता है कि ही बॉन्ड माई हेड, उसने मेरा सर दबाया, बॉन्ड मतलब आप दबाना भी लिख सकते हो, बॉन्ड मतलब आप उस पर जो पट्टी रखी जाती, पट्टी करना उसको भी कह सकते हो, पता ना बीमारी में पट्टी रख देते हैं तो वो भी कह सकते हो, तो ही बॉन्ड माई हेड, उसने मेरे सर की पट्टी की, ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे क्या किया, रोटी दी, खाने के लिए रोटी दी, और ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, ही वॉच, उसने देखभाल की, वॉच मतलब होता है देखभाल करना, वॉच की सेकंड फॉर्म दी गई है वॉच्ड,
वॉच से ही बनता है वॉचमैन, देखभाल करने वाला, जैसे ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइव करने वाले को क्या बोलते हैं ड्राइवर, टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाने वाले को टीचर, ऐसे ही वॉच, वॉच होता है देखभाल करना, और वॉच जो देखभाल करने वाला है उसको वॉचमैन कहते हैं। तो ही वॉच मी, उसने मेरी देखभाल करी नाइट एंड डे, पूरा दिन और रात, दिन रात उसकी सेवा करी, दिन रात उसकी देखभाल करी उस गरीब व्यक्ति ने। यानी कि ये दुख और दर्द में कोई कह रहा कि मैं दुख और दर्द में लेटा हुआ था, एक गरीब व्यक्ति मेरे पास आया, मेरा तक गुजरा, उसने मेरे सर पे पट्टी के सर दबाया और उसने मुझे खाने की रोटी दी, और ही वॉच मी नाइट एंड डे, और उसने मेरी दिन रात सेवा की। अब देखिए दो तरह के सहानुभूतियाँ हुई, दो तरह की जो है सेवाएं हुई। पहली ये जो घमंडी व्यक्ति ने करी, जब वो बीमार था तो उसने क्या किया, उसने दया का एक शब्द नहीं कहा लेकिन उसने उसको धन दिया। और दूसरा क्या था, दूसरा जो गरीब व्यक्ति था उसने क्या किया, उसने उसके, क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ कि ही पुअर मैन पास, यानी कि वो पुअर था तो पैसा तो धन तो वो दे नहीं सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसका सर दबाया, उसकी सेवा करी, उसको खाने की रोटी दी, उसकी दास सेवा करी। तो दो चीजें उसने करी। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कौन सा चीज आप प्रेफर करेंगे, किस चीज को, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बच्चे वाइजा आप किसी के घर जाते हैं और वो अंदर रूम में बैठा रहे और वो आपको बाहर अच्छे अच्छे खाने की चीजें भिजवा दे ड्रॉइंग रूम में, और वो आपके हालचाल पूछने के लिए नहीं आया, एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि आप किसी के घर जाओ, भले वो आपको खाने के लिए कुछ ना दे पाए, ड्रंक फूड नहीं दे सकता, अच्छी चीज़ें नहीं दे सकता, तो वो आपको सादा पानी या बताशे ले आए साथ में, और वो आपके पास बैठे आके आपको वो खाने के लिए दे, आपका हालचाल पूछे और आपको बाहर तक छोड़ने के लिए आए। तो अब ये क्वेश्चन उठता कि कौन सा ज़्यादा सही, किसको प्रेफर करोगे आप। अब आप अगर अगर जो अच्छा होगा, जो इंसान सोचेगा जिसके लिए सम्मान इम्पोर्टेंट है, वो कहेगा कि सेकंड वाला जो है वो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तुलसीदास, वो जो रहीमदास जी थे, वो भी एक सोठा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि रहीमन मोहि न सुहाए, अमी पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरबो भलो। रहीमदास जी लिखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि जो मतलब मुझे अगर कोई बुलाता है सम्मान के बिना, अगर कोई मुझे अमृत भी पिला दे तो रहीमन मोहि न सुहाए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर कोई अमृत भी पिला दे बिना सम्मान के, लेकिन जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरबो भलो, अगर कोई प्रेम से मुझे जहर भी दे दे, प्रेम से बुला के मुझे विष भी दे दे, तो उस प्रेम के लिए मुझे मरना भी स्वीकार। तो ये पहला सहानुभूत इसने क्या किया, धन दे के उसकी सहायता की, और ये धन नहीं दे पाया लेकिन इसने क्या किया, इसने उसकी रोटी दे के सहायता की, उसकी सेवा करी। अब पोइट यहाँ पे आपसे पूछता है, क्या पूछता है, पोइट कह रहा है लास्ट स्टैंजा में, पोइट कह रहा है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मतलब ये कहता है कि हाउ शैल आई पे, मैं कैसे चुकाऊंगा हिम बैक अगेन, उसको दोबारा वापस, मैं उसको वापस कैसे करूंगा, फॉर ऑल ही डिड टू मी, वो सब चीजें जो उसने मेरे लिए करी। पोइट ने पहले में देखिए वापस कर दिया, जैसे वो सीधा खड़ा हुआ, जैसे ही वो सही हुआ तो उसने क्या किया, उसने उसका जो धन था वो वापस कर दिया, लेकिन जो दूसरा गरीब व्यक्ति ने उसके लिए किया तो वो वापस नहीं कर सकता, वो कह रहा मैं इसको कैसे चुकाऊंगा जो उसने मेरे लिए किया, जो धन था वो तो हम वापस कर सकते हैं, लेकिन जब उसने सेवा कर दी तो हम कैसे वापस करते हैं, कैसे हम वापस करेंगे। पोइट कहता है, फिर लास्ट में पोइट ये भी कहता है कि ओ गोल्ड इज ग्रेट, जो गोल्ड है, जो पैसा, जो धन है, वो ग्रेट, वो महान है, या मानते महान है वो, बट ग्रेटर फॉर लिव, इससे भी ज्यादा महान है, क्या महान है उससे ज्यादा, हेवनली सिंपथी, स्वर्गीय सहानुभूति, यानी कि ऐसी सिंपथी, ऐसी सहानुभूति जो स्वर्ग की तरह आनंद दे, वो सहानुभूति गोल्ड से ज्यादा महान है, ये पोइट कहता है। ठीक है, ये पोइट ये हो गया। अब उसने एक पुअर मैन आया और उसने उसकी देखभाल करी, फिर पोइट पूछता है कि मैं कैसे इसको वापस करूंगा। ठीक है, और फिर ये भी कहता है कि धन तो महान है लेकिन धन से भी ज्यादा सिंपथी महान होता है। ये चैप्टर आपका है सिंपथी। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको, आपने चैप्टर पढ़ लिया, बुक बगल में रख के इसको पढ़िए, और जब ये आपका कंप्लीट हो जाए, जब आप इसको पढ़ चुके तो रफ कॉपी निकालिए और उसमें पूरे चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करिए, हिंदी में एक्सप्लेन करके, और कल आप जो आपका ग्रुप बना हुआ है उस पर आप उसको सेंड करिए, तो हम देखेंगे बताएंगे कितना आपने सही लिखा। ठीक है, और बाकी जो होगा नेक्स्ट टाइम, जो भी आपका जब भी टाइम होगा उस समय आप चेक करिए।